नए साल 2021 का आगमन हो चुका है। देश भर में लोग नए साल के जश्न में डूबे हैं। इस दौरान राजनीतिक गलियारे में भी नए साल की शुभकामना संदेश देने का दौर जारी है। इसी कड़ी में राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर चुटकी लेते हुए साल 2020 को विदाई दी। यही नहीं, तेज प्रताप ने नए साल की शुभकामना भी बड़े अलग अंदाज में दी है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर 2020 को विदाई दी। उन्होंने व्यंग के रूप में संदेश को लिखा है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा, अलविदा 2020। दरअसल इस बहाने उन्होंने बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम रेणु देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीते साल का नाम लेते हुए 2020 को 20,020 बोल दिया था, जिसके बाद तेज प्रताप ने उन पर तंज कसते हुए अलविदा 2020 ट्वीट कर दिया। नए साल के आगमन पर भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश को उन्होंने अलग अंदाज में लिखा। अपने संदेश को तेज प्रताप यादव ने मैथिली भाषा में लिखा है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा है, राजद परिवार की तरफ से नया साल में अहां सभी के स्वागत छे। 2021 अहां सभी के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता प्रदान करे, यह मंगलमय कामना करे छे। तो मैथिली भाषा में उन्होंने नए साल 2021 का स्वागत किया है और राजद की ओर से उन्होंने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं नए साल की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2020 को भी उन्होंने अलविदा किया तो है, लेकिन साथ ही साथ बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी पर भी उन्होंने चुटकी ले ली है।